सत श्री अकाल जी, मैं सुनील जी जीत पटियालवी तुहाडा तीरू दी बस्ती स्वागत करदा। अज वाल्मीकि प्रगट दिवस है, वाल्मीकि प्रगट दिवस तो एक दिन पहला वाल्मीकि प्रगट दिवस नूं मनाउण लई चाकियां हुंदियां, तुसीं देख सकदे हो कि यह प्रगट दिवस की चाकियां मनाई जा रही हैं। तुसीं मेरे खब्बे पासे बिल्कुल देख सकदे हो, देखो ये चाकियां जा रही हैं, बहुत सुहावनियां लुभावनियां चाकियां जा रही हैं। ये तुसीं देख सकदे हो, यह जो चाकी है ये बाबा साहब का प्रतीक बनाई है चाकी, कि सानू संविधान का सोचना चाहिए, सानू संविधान पढ़ना चाहिए, सानू संविधान की जानकारी होनी चाहिए है। आओ जी अगे देखते हैं और केड़ी केड़ी चाकी है जी। अज जिहड़ा भगवान वाल्मीकि जी प्रगट उत्सव से तीरू नगर तो जी अज विशाल शोभ यात्रा जी है कि वो निकल रही है। कल जिहड़ा है भगवान वाल्मीकि जी प्रगट उत्सव समूह पटियाला निवासियों, समूह पंजाब वासियों, समूह देश वासियों बहुत बहुत मुबारक जी। अज प्रगट उत्सव बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। असं बजुर्ग साहबान है, वह भी दिखाना चाहते हैं कुछ। हाँ जी, आज जो अज का दिन है भगवान वाल्मीकि जो है अपना जयंती है, ये कला वाल्मीकि कहते बरूनी मतलब है, क्योंकि रघु मंस के भी मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कालीदास जी ने भी ये जगत गुरु ने, इस करके सारे लोगों जोड़ा यू अच्छे ढंग सैलीब्रेट करना चाहिए। साढ़े समाज में मैं बहुत लख लख बधाई दिना और दूजे लोगों भी मैं सजेशन करना। आम तौर पर देखते हैं कि जो चारे पास प्रगट होती है वे इतों प्रोसैसन होंगी है, और प्रोसैसन के अंदर दूजे लोग नहीं मत्था टेकते जो कोई चाहिए जगत गुरु है, क्योंकि मैं पहला मैं कर चुके भी पहला जी गल है वो रघुवर इन्होंने कालीदास ने भी जगत गुरु है, सारे लोगों को कट्ठे सैलीब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखो लिखे दे एक ग्रंथ नहीं, साढ़े कुछ लोगों को नहीं पता भी इन्होंने कल रामायण लिखी है, रामायण कल नहीं लिखी इन्होंने, बल्कि इन्होंने अक्सर लक्सर रामायण महारामायण योग विशिष्ट यानी कि लॉट ऑफ एथिक्स उन्होंने वो स्कल्पर करने उन्होंने बहुत मतलब लिखे हैगा। तो लोगों को यही कहा भी रामायण रामायण का मतलब की है, रामायण का मतलब ये है कि जी रामा इन रामा हनेरा हरे दूर करने किरना इन, ये रामायण का मतलब भगवान वाल्मीकि महाराज ने इस लिखे है। और ये तो एक सिक्ख्या नहीं पर बहुत सिक्ख्या मिलती ने, एक सिक्ख्या नहीं बहुत सिक्ख्या मिलती ने, और उन्होंने सानू जो चलना चाहिए पर भगवान वाल्मीकि महाराज का असं नहीं कहने भी वाल्मीकि और बाकी लोगों भी मतलब ये जोड़ा अपना प्रोसैसन है बड़े चंगे ढंग का वह चलना चाहिए और सारे वर्कशिप करनी चाहिए है। असं आम तौर देखते हैं और होंगे की है भी जोड़ा भी शोभ प्रोसैसन जा रहा है, शोभ यात्रा जा रही है, वो अंदर दूजे लोग मैं पहला नहीं कदम कर चुके भी दूजे लोग खास तौर पर मैं अपनी मेरी आई विटनेस है अभी देखते हैं कि लोग मतलब ऑब्जेक्शन नहीं करते, वो कहें मतलब ही ये गुरु ऑफ वाल्मीकि जो कि ये जग गुरु ने, ठीक है जी। मैं तो यही कहाँगा कि सारे लोगों को ये रल मिल के जरा प्रोसैसन जरा वो हिस्सा लेना चाहिए और मना चाहिए। धन्यवाद जी, थोड़े गल करके पता लगे वधिया लगे, थोड़ा नाम की है? मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। अमरजीत सिंह जी बड़ी नॉलेज रखते हो, मैं एंकर जी मतलब मैं एंकरिंग भी करता, मैं इतने दो घंटे बोल सकता। अच्छा जी, मैं पूरी एंकरिंग कर सकता मैं दो घंटे का एक बोल, और ए नहीं मतलब भी दो घंटे घंटे बोल सकता मैं बोल भी कई मैचा मुचा भी मैं जाता स्कूल उसे मैं एंकरिंग करता रहा, इतने भी स्टेज करता रहा और उसे बड़ा बहुत चंगे ढंग टीचिंग करता रहा, करनी भी चाहिए है उन्होंने गुरुआ बारे जिन्हों का मतलब सानू जो सूँ ज्ञान हैगा उन्होंने बारे दसो लोगों ज्यादा की है। अच्छा ये भी टेलीकास्ट दे सू शाम टेलीकास्ट करोगे होर एक बारे धनबाद जी साढ़े को समय की थोड़ी शॉर्टेज है, इस करके असं तुम्हें दोबारा जरूर मिलेंगे, सूँ जानकारी बहुत वधी है, तो सानू भी यह बंद की लड़ रही है जानकारी हो। हाँ जी हाँ जी, इतने ही रहते हो? हाँ जी, अभी घूमा जाइए मैं।
प्रभु वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस है ते आज प्रगट दिवस तो एक दिन पहला जो झाकियां निकल दियां ये वही तीरू दी बस्ती है जिथों झाकियां शुरू हो के पूरे पटियाले का भ्रमण करके घूम के वापस इत्थे ही आणगे ते ये तीरू दी बस्ती च नवा दरबार तैयार होया बड़ा दरबार तैयार होया पहला छोटा दरबार सीगा ये बड़ा दरबार तैयार हो तुसीं देख सकते हो बिल्कुल मेरे पिछे ये प्रभु वाल्मीकि जी का दरबार तैयार हो रहा ते साडे पंडित जी नाल गल करदे आ आओ जी नमस्कार पंडित जी की नाम है थोड़ा जी जय वाल संजय बाबा जी अच्छा संजय बाबा जी किन्ने टाइम तो तैयार हो रहा जी इनू तकरीबन 6 साल हो गए जी इनू तैयार होने अच्छा जी ते हुण हो चुका तैयार जी पूरा के नहीं नहीं हजे तां जी इहदा कम निर्माण चल रहा है जी अच्छा जी हां जी ते असीं अंदरों देख सकते हैं जी हां हां जरूर जी चलो आज तुम आओ जी जी मैं अपने कैमरामैन साहब नूं कहांगा कि आपां असीं अंदरों दर्शन जरूर करना चाहवांगे क्योंकि जिथे तक लगता है कि पटियाले का सब तो बड़ा दरबार तैयार हो रहा है तुसी ये देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सुनील जी जीत पटियालवी दे नाल तुहाडे अपने कंचन टीवी ते जो कि पटियाले दा इकलौता चैनल है जो कि सच्चियां चीज़ां सामने लियाण विच समर्थ रखता है ते उहदी कोशिश रहिंदी है कि सब तो पहला तुहाडे तक जानकारी पहुँचे तुसी ये देख सकते हो बिल्कुल मेरे सामने बाबा जी की फोटो लगाई हुई है तो इत्थे ही दसया जा रहा है कि मूर्ति स्थापना इत्थे कीती जाऊगी तुसी देख सकते हो बिल्कुल मेरे आले दुआले जो दरबार नूं सजाया गया है मैनूं इंज प्रतीत हुंदा जिवें मैं किसी पैलेस विच आ गया ये देखो भगतां दी इन्नी शरदालु ने इन्ना उन्होंने जी जान नाल तैयार किया देखण च एवें लगता जिवें मैं किसी पैलेस विच आ गया जी ये देख के बहुत दिल खुश होया कि लोग धर्म वाल इन्ना ध्यान देंदे ने ते बाबा जी वाल इन्ना ध्यान देंदे ने आप पंडित जी नाल कुछ सवाल करदे आ पंडित जी तुसी किन्ने टाइम तों सेवा कर रहे थे जी तकरीबन जी मैं उरी दे जम पाला जी अच्छा जी हाँ जी पहला होर बजुर्ग सेवा करते जी साढ़े जी अच्छा जी उस तो बाद बारी बारी जिनी ड्यूटी लगी उन्हों की नभाई गए जी हूँ तकरीबन 6-7 साल तो पकड़ रहे जी अच्छा 6-7 साल तो दस मैं थोड़े तो सवाल पूछना चाहवागा जो तुम दस रहे हो कि बाबा जी की मूर्ति वो तैयार हो चुकी है कि हजे नहीं हजे जी वह थोड़ा कम हजे मंदिर का रहा इस करके वैसे उन्होंने साइज तो दे रखी है सर जिमें थानू दसा सी कि इत्थे धीरू की बस्ती च एक दरबार भी तैयार हो रहा उन्होंने पंडित जी ने सानू दरबार भी दिखाया जो पुरानी बाबा जी की मूर्ति सी भी दिखाई है उन्होंने दसा कि नवी मूर्ति तैयार की जा रही है तो यह वो स्थान है बिल्कुल मेरे पिछे तुसी देख सकते हो भी तरह तरह के बैनर लगे हुए ने लख लख बधाइया सृष्टि करता वाल्मीकि महाराज जी दे प्रगट उत्सव दी हर तरह के पोलीटिकल पार्टियां ने हर तरह के समाज सेवक ने उन्होंने अपने वालों सारे ने मिल के प्रभु वाल्मीकि जी महाराज वालों अपने वालों लख लख उन्होंने जन्म उत्सव से बधाइया दिखा ने दिखा ने जी बहुत जिमें कि तुहानू दस्सिया सीगा जी देखो तरह तरह के समाज सेविक ने जिमें मेरे पिछे बिल्कुल ने साढ़े शैलिंदर मोंटी जी एडवोकेट ने ते शमी कुमार डेंटर जी ने MC वार्ड ने 36 नंबर तो उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री है
ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਝਾਕੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਝਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਝਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲਜੀਤ ਜੀਤ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨਾਲ ਕੰਚਨ ਟੀ ਵੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ।